हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसको आप बोलने चाहें तो मेकअप लुक, विंटर स्पेशल या फिर एक हॉल वीडियो। मैं इस वीडियो में आप साथ में शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जो कि मैंने क्रिएट किया है थोड़े से ट्विस्ट के साथ में। और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उनका मैंने इस्तेमाल किया है पहली बार। से मेरा मतलब ये नहीं है कि पैकेजिंग पहली बार खोल के इस्तेमाल कर रही हूँ, नए के नए हैं। ऐसा है कि सारे प्रोडक्ट्स एकदम नए हैं, फ्रेश हैं, जिनको मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली फन टू सी कि ये प्रोडक्ट काम करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो कैसे काम करते हैं। बाय द वे, आई रियली लव दिस लिपस्टिक। आप भी ये वाली सारी चीज़ें शॉप कर सकते हैं इजीली नायका पे, जहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है पिंक फ्राइडे सेल, जो कि स्टार्ट हो गई है 23rd से और ये जाएगी 26, मतलब सिर्फ कल तक, एक लास्ट दिन है आपके पास में इंजॉय करने का भारी भरकम डिस्काउंट। क्योंकि अगर आपके पास है अनलिमिटेड प्रोडक्ट की लिस्ट लेकिन लिमिटेड बजट, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए नायका। वहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांड्स पे आपको डील्स मिल रही हैं जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चेक करिएगा, सिर्फ कल का दिन बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए प्रोडक्ट्स भी देखने पड़ेंगे आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए वीडियो के स्टार्ट में ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी, दिस इज द फेस शॉप चिया सीड नो शाइन इंटेंस हाइड्रेटिंग क्रीम। ये क्रीम आती है कुछ इस तरीके के ग्लास टब में, जो कि पेस्टल लाइट क्रीम पेस्टल शेड में है, काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके साथ एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी आता है। अगर मैं बात करूं इस क्रीम की तो इट्स व्हाइट इन कलर। इसका टेक्सचर है बहुत ज्यादा स्मूद और बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाती है। थोड़ा सा प्रोडक्ट आपका चल जाएगा इतना लंबा जिसकी कोई हद नहीं। ये प्रोडक्ट आपका चल जाएगा कम से कम 3 से 4 महीने इजीली, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सा चाहिए होता है। इसकी खुशबू कहने ही क्या, और इतना अच्छे से ये एकदम सटल सा ग्लो देती है आपके स्किन में। आई रियली लाइक इट, क्योंकि इसमें शाइन नहीं है। आई थिंक ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉरियल बेस मजी ट्रांसफॉर्मिंग स्मूदिंग प्राइमर की। जैसे ही आप इसको कार्डबोर्ड बॉक्स में से निकालते हो, मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लुक एट दिस टाइनी जार। ये काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली बनाता है बिकॉज इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज। दो ये जो ग्लास बॉटल है, ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इसको लेके। अगर मैं बात करूँ प्राइमर के टेक्सचर की, तो इट इज यू नो लाइक अ मूस, लेकिन ये बहुत अच्छे से बटर की तरह ब्लेंड होता है आपके फेस पे। आपके स्किन से रिलेटेड जो भी इम्परफेक्शन होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, उनको इतने अच्छे से स्मूथ कर देता है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये जो टेक्सचर है, इसमें हल्का सा एक रोजी टच है या फिर पिंक कलर है, वो आपके फेस को इंस्टेंटली एकदम ब्राइट कर देता है और काफी ज्यादा ट्रांसलूसेंट बना देता है आपके फेस को, जब आप उसको बेयर फेस पे ट्राई करते हो तो। आई रियली लव दिस इफेक्ट व्हेन इट कम्स टू प्राइमर, क्योंकि किसी और प्राइमर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूँ मेकअप वेयर टाइम की, तो ये कम से कम 3 से 4 घंटे आपके मेकअप को अच्छा खासा वेयर टाइम को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, विच आई थिंक इज रियली गुड। फाउंडेशन के लिए आई ट्राई दिस निक्स टोटल कंट्रोल ड्रॉप फाउंडेशन, जो क्या था है इस तरीके की जार पैकेजिंग में। ग्लास बॉटल आती है विद दिस ड्रॉपर, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट और हाइजेनिक बनाता है इसको इस्तेमाल करना। अनलाइक आपको हाथ पे लेना है एंड देन लगाना है, आई थिंक इट्स वे मोर कन्वीनियंट, ईजी टू यूज, कंसिस्टेंसी रनी है, ईजिली ब्लेंडेबल है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं, वो क्या बोलते हैं, ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम। तो कुछ ऐसा केस है इसके साथ में, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में, जैसे मैंने इसको किया। इसकी जो फिनिश होती है वो एक सेमी ड्राई फिनिश होती है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग प्रेफर करने वाले हैं विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में सबकी स्किन ड्राई होने लग जाती है और कोई भी मैट फिनिश प्रेफर नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ इसकी, पिगमेंटेशन इज सुपर्ब। इसके आपको 4 से 5 ड्रॉप्स चाहिए होंगे इस फाउंडेशन के टू कवर योर एंटायर फेस, टू गिव यू मीडियम कवरेज। उसके बाद में आप इसको इजीली बिल्ड भी कर सकते हैं, विच आई थिंक इज अ रियली गुड बेनिफिट, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं विंटर्स में तो ज़्यादा मेकअप वेयर करना। ऑल्सो लेट्स प्रेज द शेड अवेलेबिलिटी, जो कि इतनी है, 13 शेड्स आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी हर इंडियन स्किन टोन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आई थिंक इट्स टोटली वर्थ। प्रोडक्ट में देखा जाए तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, विच इज़ रियली गुड थिंग, क्योंकि वरना केमिकल्स होते हैं फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो, और जो आपके सन स्पॉट्स होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से हाइड कर देता है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। ओके, सो कोई भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर ऑनलाइन लेना, इट्स लाइक अ गेम जिसमें आप कभी कभी हार जाते हो, किसमें जीत जाते हो, लेकिन इस केस में इट्स अ टोटल विन विन सिचुएशन। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नेक्स्ट कंसील करेक्टर एंड कॉन्टोर पैलेट की। यू कांट रियली गो रॉन्ग विद दिस शेड, दिस पैलेट। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स और मिल जाएंगे। माई शेड इज 3CP02 मीडियम, आई मीन इट्स 02 मीडियम बेसिकली। मैंने यहाँ पे इस मेकअप को फिल्म करने से पहले मैंने ट्राई किया था ये करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर अंडरनीथ माय आई एरिया टू कैंसिल आउट एनी पिगमेंटेशन, और ये इतना एक्सीलेंट काम किया जिसकी कोई हद नहीं। एंड विद दिस मेकअप ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ये वाला कंसीलर शेड, जो कि काफ़ी अच्छे से एक यू नो येलो अंडरटोन्स में आता है, जो कि मेरे स्किन टोन्स के साथ में काफ़ी अच्छे से जाता है। आप
कोई सा भी शेड बना सकते हैं. यू गेट 6 शेड्स जिसमें करेक्टर, कंसील, आपकी यू नो पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें इसे ट्राई कर सकते हैं. चाहे आप इसको फाउंडेशन में भी ऐड करके फाउंडेशन की कवरेज को बढ़ा सकते हैं. इट्स अ रियली मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए ये वाला. एंड आई रियली लव द पैकेजिंग. द वे इट लुक्स, कहते हैं ना पहले हम चीज़ों को आंखों से खाते हैं एंड देन मुंह से खाते हैं, तो आई रियली लव द पैकेजिंग ऑल्सो. ब्यूटीफुल ब्राउज को अचीव करना इतना ईजी मेरे लिए कभी नहीं था. मैंने हमेशा से ना ब्राउ पेंसिल्स जो होती हैं वो इस्तेमाल करी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. एक आध ब्राउ किट भी है मेरे पास में, बट यू नो व्हेन यू गेट 2 प्रोडक्ट्स जिसमें आप आपका मिक्स करके कस्टम शेड बना सकते हो, आप आपके ब्राउज को फिल कर सकते हो अगर कोई गैप्स होते हैं तो, डिफाइन कर सकते हो और खूबसूरत सा शेप दे सकते हो स्लांटेड ब्राउ ब्रश के साथ में. आई मीन लुक एट द पैकेजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नेशियो ब्राउ किट जिसमें आई मीन लुक एट द पैकेजिंग, इट इज़ वेरी क्लासी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगता है, फील्स रियली एक्सपेंसिव. इसमें आपको क्या क्या मिलता है विद दिस चार्मिंग क्लासिक पैकेजिंग के साथ साथ, 2 ब्राउ पाउडर आपको मिलते हैं, 1 ब्राउ जेल आपको मिलती है, 1 स्पूली मिलती है, 1 आपको यू नो टाइनी सा ट्वीज़र मिलता है, 1 आपको मिलता है डबल साइडेड ब्राउ ब्रश जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है. ब्राउ पाउडर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इट इज़ सुपर फाइन और बहुत ज़्यादा ईजी होता है आपके लिए काम करना, चाहे सुपर और बहुत ज़्यादा सटल हो या फिर ड्रामेटिक आईब्रोज कैसे भी हो आप अचीव कर सकते हैं विद दिस अमेजिंग ब्राउ किट. आई मीन यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. इसके 2 शेड में से आप मिक्स मैच करके कोई सा भी कस्टम शेड बना सकते हैं. सारे इंडियन स्किन टोन के आईब्रोज के साथ में ये अच्छे से जाता है, आपको एक बार चेक करना ज़रूर चाहिए. मेरी सांसें एकदम के लिए थम गई थी जब मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया था. आई मीन लुक एट द पैकेजिंग, इट इज़ सो 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 गॉर्जियस. ये जो गोल्डन बेस के साथ में आता है, मैं इसको बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी. आई फाइनली गॉट माई हैंड्स ऑन दिस. ये है मेकअप रेवोल्यूशन का फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव पैलेट, और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है. पैकेजिंग बिल्कुल भी फ्लिमजी नहीं है, और एक्चुअली जब आप इसको बंद करते हो इट क्लोजेज विद अ क्लिक साउंड जो कि आपको अश्योर करता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है. आप इसके साथ में इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना बड़ा साइज का मिरर दिया हुआ है यहाँ पे. आई मीन ज़रा सा भी यहाँ पे कट वगैरह नहीं दे रहे हैं, पूरा फिल्म है इसकी वो पूरी मिरर के साथ में है, विच इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. शेड अवेलेबिलिटी की मैं आप बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेक्ड शेड, मेटेलिक शेड और बहुत सारी इतने खूबसूरत वैरायटी मिल जाती है ट्रांजिशन शेड्स की, विच आई थिंक इज़ रियली गुड. वरना आपको लाइट पिंक, रेड पिंक और इन सबके शेड्स तो आपको चलते फिरते किसी भी पैलेट में मिल जाते हैं. आई थिंक इट्स अ डेफिनेटली मस्ट ट्राई पैलेट जो कि बहुत सारे खूबसूरत शेड के साथ में आता है और काफ़ी अच्छा कलर पे ऑफ भी है. पिगमेंटेशन नीडलेस से इतना सुंदर पिगमेंटेशन है इनका. उसके अलावा भी अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि एकदम से कलर पॉप हो जाए आपके आई शेडोज पे, लाइक आपके आईज पे, आप क्या कर सकते हैं, आई प्राइमर डेफिनेटली यूज़ करिएगा. उसके साथ में आपको इफेक्ट ही कुछ जोरदार देखने को मिलता है. आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए वाला पैलेट. आई मीन आई लव दिस. ओके सो फाइनली मैंने बैकअप बना लिया. ये है मेबेलिन लैश सेंसेशनल फुल फैन इफेक्ट वाटर प्रूफ मस्कारा. दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने इसके ऑलमोस्ट 3 से 4 बॉटल्स अब तक खत्म कर दी होंगी. दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. मेरी मम्मी इसको गिल्ली बोलती है बाय द वे. सो इसका जो एप्लीकेटर है वो आई मीन गेम चेंजर है. किसी भी मस्कारा को अगर आप ले लें तो लेंथ देने के साथ साथ सेपरेट भी करता है, वॉल्यूम भी देता है और इतना सुंदर बना देता है, इतना वॉल्यूम देता है आपकी लैशेस को जिसकी कोई हद नहीं. आपको कर्ल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में मेंशन किया था कि मैं इस प्रोडक्ट को अभी बैकअप बनाना है मुझे, एंड हियर इज़ दिस वीडियो जिसमें मैंने इस प्रोडक्ट का बैकअप बना लिया है. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस मस्कारा. मल्टीपर्पज काम कर देता है ना, लाइक आपको कलर की भी जरूरत नहीं पड़ती, सेपरेटली कैरी करो, इसी से काम चल जाता है. दिस इज़ डेफिनेटली गुड. वाटरप्रूफ भी है, वॉशेबल वेरिएंट दोनों, कोई सा भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली चेक आउट दिस मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा. नाउ कम्स द लिपस्टिक पार्ट. मैंने यहाँ पे ट्राई किया है ये रेवलॉन का अल्ट्रा HD मैट लिप कलर. इसमें मेरा शेड है HD पैशन. दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. डेफिनेटली अ क्लासी पीस ऑफ लिपस्टिक आई हैव इन माई वैनिटी. काफ़ी सुंदर दिखती है, इट्स वेरी क्लासी, लग्जूरियस एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखती है. कलर पे ऑफ, ओ माई गॉड. ओके सो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सचर की. एज सून इसका जो टेक्सचर था वो मेरे लिप्स पे टच हुआ, आई वॉज लाइक वाओ व्हाट इज़ दिस. इतना ज़्यादा स्मूथ है ये. आई मीन आपको रिएक्शन भी दिख गया होगा, इतना ज़्यादा स्मूथ है इसका टेक्सचर कि आई कैन इवन टेल यू. ओके कलर पे ऑफ की मैं बात करूँ, एक्सीलेंट, सुपर्ब. आई मीन एक ही बार जो आप डिप करते हो प्रोडक्ट उतना इज मोर देन इनाफ टू कवर योर एंटायर लिप्स. अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से चलते फिरते बना सकते हैं ट्रांसफर प्रूफ बाय डस्टिंग सम लूज पाउडर एंड देन सेटिंग इट विद अ टिश्यू पेपर एंड दैट इज़ ऑल. आई लव द कलर, इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है. यू कैन वेयर इट विद वेस्टर्न आउटफिट टू पार्टीज़.
क्लब के लिए जा रहे हैं, और हाँ इंडियन आउटफिट पे भी कैसा लगता है, मैं बहुत जल्दी इसको ट्राई करने वाली हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर आपने ये वाला वीडियो एंजॉय किया होगा, पसंद आया ये वाला लुक प्लस हॉल प्लस सारी इन्फॉर्मेशन या ओवरऑल ये वीडियो, लाइक जरूर करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेगा। और हाँ, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उनकी सारी डिटेल्स मैंने आपके लिए दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई विल सी यू सुपर सुपर सून विद माय न्यू वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल सो मच।